So hey guys, in today's video I'm going to be telling you 5 do's and don'ts of using Posca markers. Well, अगर आपने Posca markers खरीद लिए हैं या फिर अगर आप Posca markers खरीदने वाले हो तो ये 5 do's and don'ts जाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं do's से, और जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्चुअली प्रिपेयर योर सर्फेस। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी आप सर्फेस पे Posca markers को यूज करने जा रहे हो ना, वो क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। और अगर जो सर्फेस है वो थोड़ी ग्लॉसी और स्लिपरी है तो आप उसको सैंड पेपर की हेल्प से थोड़ा उसको रफ कर लो, उस पर व्हाइट आप वार्निश वगैरह अप्लाई करके उसके ऊपर से आप अपने Posca markers को यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट in the do section is actually shake well before use। ये तो सबसे बड़ा मतलब डू है यार Posca markers को करने का। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि वो बस Posca markers को बॉक्स से निकाल के और मतलब कलरिंग करना कहीं भी शुरू कर देते हैं। वैसे इट विल स्टिल डिस्पेंस द कलर बट इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप Posca markers को पहले शेक कर लो बहुत ही अच्छे से और उसके बाद ही यूज करो, क्योंकि मैंने आपको बताया इस वीडियो में दूसरी बार बता रहा हूँ कि वाटर बेस्ड मार्कर्स होते हैं तो इनमें जो कलर होता है, मान लो आपने कहीं इसको रखा हुआ है बहुत दिन से आपने इसको यूज नहीं किया है तो वो एक जगह ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं उस मार्कर के अंदर ही। तो आपको हमेशा इसको बहुत अच्छे से शेक कर लेना है ताकि जो मार्कर्स के अंदर की जो इंक है वो एक्टिवेट हो जाए और जो आपको सैचुरेशन मिलेगी इन कलर्स के थ्रू आफ्टर शेकिंग इट वेल इट विल बी रियली गुड। सो यू शुड ऑलवेज शेक इट वेल बिफोर यू यूज। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट गाइस इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सर्फेसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लॉसी और स्लिपरी सर्फेस पे ना इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है, बट दुनिया में दो सर्फेस थोड़ी हैं, इन दो सर्फेस को छोड़ के भी बहुत ऐसी सर्फेसेस हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक पेपर, वुड, मेटल, कप, ग्लास, व्हाटएवर, फाइबर वाइबर भी होता है। तो डेफिनेटली आप इन Posca markers को बहुत वैरायटी ऑफ सर्फेसेस पे यूज कर सकते हो। मैंने खुद यूज किया, मैंने शू कस्टमाइज किया है, बॉटल कस्टमाइज करी है, कॉफी मग कस्टमाइज किया है, सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मेरे को देखता नहीं है, दैट्स अनदर पॉइंट। सो आप इन मार्कर्स को यूज करके ना काफी जैसे सर्फेसेस पे अपनी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो और दे वर्क रियली रियली वेल। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट इन द डू सेक्शन इज एक्चुअली सील योर वर्क वेल। इस वीडियो में मैं तीसरी बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ये मार्कर्स होते हैं वो वाटर बेस्ड मार्कर्स होते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा ना कोई अच्छा वार्निश या फिर जेसो यूज करना है जो कि आपको नॉर्मली अमेजोन पर मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उसको यूज करके अपना जो वर्क है उसको अच्छे से सील कर सकते हो ताकि मतलब वो थोड़ा सा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए और वो थोड़ा सा वाटर स्प्लैशेस वगैरह है वो झेल सके। I am under the water. So this is one of the most important thing that you should do when you use the Posca marker. Okay, तो हमने बात कर ली है डूज की, अब हम मूव करेंगे डोंट्स की तरफ, और ये डोंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि मैंने खुद इतने सालों में इन Posca markers को यूज किया है तो आई नो व्हाट यू शुड नॉट डू व्हाइल यू यूज दिस Posca markers। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है यू शुड नॉट स्टोर इट हॉरिजॉन्टली, क्योंकि होता ये है कि मार्कर्स में वाटर बेस्ड इंक होती है तो आप इनको हॉरिजॉन्टली स्टोर करोगे ना तो इसकी अंदर की जो इंक है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह जमी रहेगी और वो बहुत ही जल्दी सूखने का उसके चांसेस होते हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसको हमेशा आप वर्टिकली स्टोर करना है, इधर यू स्टोर इट अपसाइड डाउन और जस्ट वर्टिकली एनीवेयर, बट आप इसको कभी भी ना हॉरिजॉन्टली मत स्टोर करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी सूख जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर। वेल वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ Posca markers टू लेट द इंक आउट इज एक्चुअली यू हैव टू यू नो प्रेस द नेम अ लिटिल बिट हार्डर एंड अप्लाई अ लिटिल बिट प्रेशर ऑन दैट। बट आप जानते हो कि ये वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं तो आप इन पे बहुत ज्यादा अगर इसकी निब पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो पहली चीज तो ये होगा कि इसकी निब जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी क्योंकि वो खुद भी फाइबर की होती है, मेटल की तो होती नहीं है। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो बहुत ही ज्यादा इंक लीक होती है, मतलब इनके निब से बहुत ज्यादा इंक निकल आएगी तो आपका इंक भी वेस्ट होगा, वो आर्टवर्क भी क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपकी निब भी खराब हो जाएगी। सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी आप Posca markers यूज कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करो वरना इससे निब और इंक दोनों ही बर्बाद होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू नॉट यूज दिस ऑन वेट और ऑयली सर्फेसेस। मैंने आपको बताया कि ये Posca markers जो होते हैं ये वाटर बेस्ड, यार मैं अब नहीं बोलूँगा कि वाटर बेस्ड होता है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको इनको वाटर और ऑयल पे नहीं यूज़ करना है क्योंकि अगेन अगर आप इनको वाटर और ऑयली सर्फेसेस पे यूज़ करोगे तो ये सर्फेस को डेफिनेटली होल्ड नहीं कर पाएगा और आपके Posca markers से जो भी आप अपनी आर्टवर्क क्रिएट करोगे वो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सो दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड। नाउ द लास्ट पॉइंट इन दैट यू शुड नॉट डू विद दिस Posca markers इज दैट यू शुड नेवर एवर मिक्स टू पेंट्स टुगेदर। वेल इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कभी अल्कोहल मार्कर्स यूज़ किए होंगे ना तो आप डेफिनेटली क्या करते हो कि दो कलर्स को ब्लेंड करने के लिए आप पहले एक मार्कर चलाते हो, दूसरा मार्कर से उसके ऊपर ब्लेंडिंग कर देते हो। वेल वो चीज यहाँ पे काम नहीं करती है। अगर आप ये करोगे तो होगा ये कि आपकी जो इंक है वो दूसरे मार्कर में चली जाएगी और उसका कलर जो है वो पूरा बदल सकता है। तो डेफिनेटली यू शुड कीप दैट इन माइंड कि अगर आप जो भी इन मार्कर्स को यूज करो ना तो आप लेयरिंग की तरीके से काम कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक कलर किया उसको सूख जाने दो, उसके ऊपर आप दूसरा कलर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये कलर्स वेट हैं तो डेफिनेटली डू नॉट मिक्स दोस कलर्स। आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू गाइस टू मिक्स एंड ट्राई टू ब्लेंड दिस कलर्स। द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज एक्चुअली लेयर दिस कलर्स, के ऊपर एक आप लेयर कर सकते हो और डिफरेंट टेक्निक्स अपना सकते हो। सो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो न्यू स्टफ। तब तक के लिए पीस आउट। वैसे मैं काफ़ी दिन से शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई एम गोना बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स ऑन दिस YouTube चैनल। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो न्यू स्टफ।